हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और हम चले जाएंगे स्टेटस के सेक्शन में। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कई पैराग्राफ मतलब टेक्स्ट लिख करके स्टेटस में अपलोड कर देते हैं, तो हम उसे सही से पढ़ नहीं पाते क्योंकि जो हमारा स्टेटस है कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पे रुकता है तो वो चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहता है। तो हम इसी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी कुछ पढ़ नहीं पाते। तो हमें यहाँ पे किसी का भी स्टेटस ओपन कर लेना है और हम जैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे टाइप करके देखते हैं कि हाँ यहाँ पे ये हो गया, हमारा रुका हुआ है, हम यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। तो ये हमारा सही तरीका नहीं है। हमारा जो सही तरीका है, हमारा जो यहाँ पे जो थ्री फिंगर है, थ्री फिंगर को हमें यहाँ पे अपने स्टेटस पे हमारी स्क्रीन पे जो है यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे ही हम अपना फिंगर यहाँ पे टच करेंगे हमारा जो स्टेटस है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जैसे हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे सिंगल टैप पे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमें यहाँ पे फ्रीज करना है, थ्री फिंगर को हमें यहाँ पे स्क्रीन के मिड में आकर के यहाँ पे टैप कर देना है, जो फिर हमारा ये स्टेटस है यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। तो हमें यहाँ बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं, जितना टाइम तक रीड करना चाहें उतने टाइम तक रीड कर सकते हैं। जब आप इसको अच्छे से रीड कर चुके हैं, चेंज करना चाहते हैं तो सिंगल टैप में आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रिक हमारा है, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आज तक हमने अपने व्हाट्सएप पे कितना डेटा जो है यूज कर चुके हैं, कितना डेटा हमने यहाँ पे खर्च किया है। तो हमें ये जानने के लिए सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा पे टच करना है। तो हमें यहाँ पे स्टोरेज और डेटा पे क्लिक कर लेना है और हम यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क एंड यूजेस, तो हमें इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो यूजेस में टॉप में दिख रहा होगा 26 GB, यहाँ हमें बता रहा है ये कि आपने अभी यहाँ तक अभी तक आपने 26 GB डेटा आपने यूज कर चुका है वो अपने व्हाट्सएप के लिए। और यहाँ पे आपको दो पार्ट में दिख रहा होगा, सेंड एंड रिसीव। आपने जितना भी डेटा सेंड करने में यूज किया हुआ है यहाँ पे 8.5 GB एंड जो भी डेटा आपने फोटोज़ वगैरह मैसेजेस वगैरह जो भी रिसीव करने में, वीडियोज़ वगैरह रिसीव करने में जो डेटा खर्च हुआ है वो आपका 17.5 GB डेटा। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपका जो सबसे टॉप में दिख रहा होगा यहाँ पे कॉल का सेक्शन भी दिख रहा है। आपने जितना कॉल किया है किसी को, जितना आपके पास कॉल आया है, आउटगोइंग एंड इनकमिंग दोनों का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। आउटगोइंग में जो डेटा यूज हुआ है हमारा 2 GB डेटा यूज हुआ है और जो हमारा इनकमिंग में यूज हुआ है 1.7 GB डेटा यूज हुआ है। हमने कितना कॉल किया हुआ है ये भी बताया गया यहाँ पे, 429 कॉल हमने किए हैं दूसरों को और हमें यहाँ पे 1649 यानी कि 1649 इनकमिंग कॉल हमें रिसीव किया हुआ जो हमें कॉल आता है। और सेकंड नंबर जो बात आती है हमारे मीडिया में देख सकते हैं जो भी मीडिया में क्या होता है, फ़ोटोज़ हो गए, वीडियो हो गए, मैसेज हो गए, ये सारी चीज़ें जो मीडिया में हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 4.5 GB डेटा जो हमने दूसरों को शेयर किया हुआ है, जो भी हमने सेंड किया हुआ मैसेज, और 8.3 GB डेटा जो हमारा है जिसको हमने डाउनलोड किया है, जिन्होंने हमको सेंड किया हुआ है वो चीज़ें। थर्ड हमारा आता है गूगल ड्राइव हमारा यहाँ पे ये बताता है कि आपने कितना डेटा बैकअप किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे कोई भी डेटा बैकअप नहीं किया हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ पे दिख रहा है 0 KB। आपका जो फोर्थ नंबर पे आता है मैसेजेस, जिसको हम चैट बोलते हैं, कोई टेक्स्ट बोलते हैं, हमने यहाँ पे कितना किसी को मैसेज किया है, कितना हमें दूसरों ने मैसेज किया है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं जो भी हमारे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा 47,483 मैसेजेस जो हमने यहाँ पे सेंड किए हुए हैं एंड 93,126 मैसेजेस हमने रिसीव किए हुए हैं, जो हमारा जिसमें डेटा हमारा जो कंज्यूम हुआ है 141.5 MB डेटा जो हमने यहाँ पे सेंड करने में हमारा जो कंज्यूम हुआ है, ये हमारा 510.7 MB जो डेटा हमारा जो है यूज हुआ है रिसीव करने के लिए। और हमारा जो फाइव नंबर पे हमारा आता है स्टेटस,
स्टेटस जो हमारा जो होता है नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इसको स्टोरी हमने जो अपलोड करते हैं, स्टोरी जो हम लोग अपलोड करते हैं उसके जो डेटा हमारे यूज हुआ है। तो जो हमने स्टोरी अपलोड किए हैं 475 स्टोरी हमने अपलोड किया हुआ है जिसमें हमारा डेटा जो यूज 1.8 GB जो डेटा हमारा यूज हुआ है एंड कि हमने स्टोरी देखी हुई है, जितने लोगों की स्टोरी देखी हुई है उसमें जो हमारा डेटा यूज हुआ है कि 7 GB डेटा हमने हमारा खर्च हुआ है देखने के लिए स्टोरी। तो हम यहाँ से डेली बाय डेली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना डेटा हमारा खर्च हुआ है और आज तक जब से आपने अपने फ़ोन में WhatsApp इंस्टॉल किया है और आज तक का डेटा यहाँ पे सब कुछ बताएगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.